मुरादनगर के शमशान घाट में छत गिरने से 24 लोगों की मौत का जिम्मेदार मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी 36 घंटों बाद सोमवार रात पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी से 3 घंटे पहले ही एसएसपी ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। एसएसपी कलानिधि नेतानी ने बताया कि आरोपी ठेकेदार से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शमशान घाट के गलियारे का निर्माण करने वाला ठेकेदार अजय त्यागी राजनगर सेक्टर नंबर 7 में रहता है। D57 नंबर में उसकी आलीशान कोठी है। रविवार को शमशान घाट के गलियारे की छत गिरने की सूचना मिलते ही अजय त्यागी अपना घर छोड़कर फरार हो गया था। नवबारा समाचार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अरुण कुमार की रिपोर्ट। 3 जनवरी के दोपहर को पुलिस को एक दुखद सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ग्राम उखलाड़ सिंह थाना मुरादनगर में एक स्ट्रक्चरल डिजाइन के गिर जाने से काफी लोगों के दबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसमें तत्काल पुलिस द्वारा राहत कार्य वहां पर शुरू किया गया, एनडीआरएफ की मदद ली गई। स्थानीय प्रशासन एवं लोगों की मदद से कई घायलों को अस्पताल भेजा गया था। वहीं यह भी अवगत करा दें कि उसी देर शाम जो है पुलिस द्वारा एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों को नामजद करते हुए एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के क्रम में अगले ही दिन 4 तारीख की प्रातःकाल को 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें सुपरवाइजर आशीष, जेई और वहाँ के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं विवेचना प्रचलित करते हुए उचित धरपकड़ करते हुए 5 टीमें जो गठित की गई थी, उनके द्वारा मुख्य ठेकेदार जिसके ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम कल शाम को रखा गया था, उसको भी देर रात्रि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे सघन पूछताछ अभी जारी है और इसको भी जेल भेजा जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के लिए समस्त टीमों को अवगत करा दिया गया।